ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः मोक्षमार्गस्य नीतारं भीतारं कैमभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धैं वन्दे तद्गुणलब्धैं वन्दे तद्गुणलब्धैं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी व्याख्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जीवनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव श्री अधिम तीर्थंकर आदि विधाता प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की देवादिदेव एकजराशि चिंतामणि पारशनाथ भगवान की अंतिम तीर्थंकर शासनाक्षी महावीर स्वामी भगवान की आद्य भगवत श्री जिनसेन आचार्य भगवान की तंत्र मंत्र विद्या वारिदी अकवाट विद्या सागराचार्य भगवान की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी गुरुदेव की गणाचार्य श्री विराग सागर जी गुरुदेव की अध्यात्म जगत के राजहंस आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की ढाई दीप में विराजमान 3.9 करोड़ महामुनिराज की धर्मेश निबंध आत्मन। उत्तर भारत की इस बड़ौत नगरी के पावन धरा पे सबका पुण्य उदय में आया। हम ये नहीं कह रहे कि जैन श्रावकों का ही पुण्य उदय में आया, बल्कि बड़ौत नगरी के एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव है उन सबका पुण्य एक साथ में उदय में आया जब आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर महाराज जी का चौमासा यहाँ पे हुआ। क्योंकि हमें पट पे या पद पे आकर 5 साल होने आ रहे हैं और लगभग 3-4 साल हो गए कि हम गुरु जी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि गुरु जी आचार्य महाराज आपका विहार दक्षिण की उस पावन धरा पे जहाँ जिनसेन आचार्य ने तपस्या की, अनेक साधकों ने तपस्या की, साधुओं ने तपस्या की और विशेष देखा जाए कि चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज जी की जन्मस्थली हो या अनेक आचार्यों की जन्मस्थली आचार्य देशभूषण महाराज हो, आचार्य विद्यासागर जी महाराज हो, इनकी साधना स्थली उस नांदनी मठ से 30-35 किलोमीटर के अंतर में है। तो भावना यही है कि वहाँ के श्रावकों ने उन सभी आचार्यों को देख लिया है, जी लिया है। हमें यह था कि उनके जैसे ही और चारों अनुयोग जिनमें सम्मिलित है, चर्या शिरोमणि है और अध्यात्म जगत के राजहंस है, ऐसे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव का भी चतुर्मास एवं प्रवास उस जगह पे होना चाहिए जो कि सभी भोले आत्मा चतुर आत्मा बने। इसलिए पूज्य गुरुदेव का चतुर्मास उस तरफ होना चाहिए। तो ऐसे 5-4 साल से हम गुरु जी के चरणों में आ रहे थे। गया जी हो, उसके पहले भी आए थे, फिर उसके बाद में पथरिया भी, जबलपुर भी, और एक जगह पे पंचकल्याणक चल रहा था, आहार जी नहीं, उसके पहले सहायगढ़ के पास में, तो वहाँ पे भी आए थे। तो वहाँ के सभी भट्टारकों को लग रहा था कि हम जा तो रहे लेकिन गुरु जी आएंगे कि नहीं, लेकिन गुरु जी इतने सहज है, उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए स्वीकृति दे दी
कि चलो वहाँ के महामस्तकाभिषेक के लिए सहसंग गुरुजी पधार रहे हैं। और अगले साल 2024 में दिसंबर में जो महामस्तकाभिषेक श्रवण बिलगुला के बाद में आदिनाथ स्वामी का महामस्तकाभिषेक दक्षिण में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, उस महामस्तकाभिषेक के लिए मुख्य पावन सानिध्य पूज्य आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी का हो रहा है। यह हमें भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हमें किस्सा याद आता है, जब हम 2007 से लेकर 2010 तक उसी धरा पे तपस्वी सम्राट आचार्य सनमति सागर जी महाराज जी रहे हैं, इचलकरण जी हो, कोल्हापुर हो, उदगांव हो, तो हम भी उस समय आचार्य गुरुदेव के पास में थे। 2007 का चतुर्मास आचार्य गुरुवर विराग सागर जी, आचार्य गुरुवर सनमति सागर जी का साथ में हुआ था कुंजवन की धरा पे। जब हम सनमति सागर जी महाराज जी के बिल्कुल पास में रहते थे, और एक दिन ऐसा था कि सबको पेन बटे थे संग में लिखने के, पेन सभी साधुओं को भैयाओं को बटे थे। तब हमारी उम्र 8-9 साल के आसपास की थी, और सबको मिले हमको नहीं मिला था। क्यों मन में ऐसे लग रहा था, गुरु जी कुछ हमसे नाराज है, नहीं तो हमको प्यार नहीं करते हैं। फिर उस दिन हम शाम को गुरु जी के पास में नहीं गए, फिर दूसरे दिन भी नहीं गए, फिर तीसरे दिन आचार्य गुरुवर विराग सागर जी गुरुदेव से एक डायरी मिली थी। तब हमको लगा हम ऐसे ही गुरु जी आचार्य सनमति सागर महाराज जी से बोल पड़े, वो महाराज जी वो हमको बहुत प्यार करते हैं। तो वो मुस्कुरा लिए उन्होंने, और वहाँ पे जो फल थे वो आशीर्वाद स्वरूप में हमको दे दिए गए। तब कुछ नहीं समझे, 2017 के आसपास ऐसा ही वापस एक किस्सा हो गया, जब हम आचार्य सुनील सागर महाराज जी के संग में ब्रह्मचारी के स्वरूप में थे, सबको स्टैंड मिले थे शास्त्र रखने के लिए और हमको ही नहीं मिले थे। तब हमको वापस यूं लगा कि महाराज जी का हमारे ऊपर प्यार नहीं है। और कुछ दिन के बाद मंगलाचरण करने का मौका मिला, अर्घ्य चढ़ाने का मौका मिला, तब हमने एक पंक्ति गाई थी गुरु चरणों में। तब से वो मन में था कि हमको कुछ नहीं मिला, हमको कुछ नहीं मिला। हमने उस समय एक अर्घ्य गाया था कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी गुरुवर ने, इतना दिया मेरी गुरुवर ने, इतना दिया मेरी गुरुवर ने, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी गुरुवर ने। आचार्य जी मेरी तरफ देख रहे थे, उनको समझ में आ गया था, मेरे को भी समझ में आ गया था। तो उस दिन दोपहर को मेरे को स्टैंड मिल गया शास्त्र जी रखने का। तो कई दिन के बाद मेरे को वापिस एक विभव सागर जी की चार लाइनें मेरे को आचार्य विभव सागर जी की चार लाइनें मेरे को दिखी, और वो भावना में इनके चरणों में रखता था, आचार्य गुरुदेव के चरणों में। और मैं 3 साल से लगातार प्रयास कर रहा था कि आचार्य महाराज जी का चतुर्मास और महामस्तकाभिषेक के सानिध्य मिले। तब मेरे को वो चार लाइनें याद आ गई। 2-3 बार तो पहले मेरे को स्वीकृति नहीं मिली थी, लेकिन चौथे बार आने का हिम्मत और साहस इसलिए हुआ था, गुरु से मुझको मिला है कितना, क्यों इतना सोचूं, मैंने कितना किया समर्पण, बस इतना सोचूं, सेवा और समर्पण प्रतिपल बढ़ते क्रम पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। सामान्य तौर से नांदनी के आसपास के जितने भी गांव है वो सब कृषि प्रधान है, वहाँ पे सब खेती की जाती है, जैन श्रावक भी खेती ही करते हैं।
तो मेरे मन में यूं था कि उत्तर के साधु है, उत्तर के श्रावकों के बीच में रहने वाले हैं, सामान्य श्रावकों के ऊपर और सामान्य गांवों के ऊपर दृष्टि जाएगी कि नहीं। लेकिन सहज एक बार हमने निवेदन किया और गिरार जी में, तो गुरु जी मुस्कुराते बोल दिए कि हम नांदनी की तरफ बढ़ रहे हैं। तब हमको लगा कि इनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं बड़े छोटों की, गुरुदेव के चरणों में आने वाले सभी भक्त गुरुदेव उनको समान नजरों से देखते हैं, और इनके यहाँ प्यार के अलावा वात्सल्य के अलावा, देखो आचार्य विमल सागर जी जैसा वात्सल्य है, आचार्य विराग सागर जी जैसी क्या बोलते हैं अनुशासन है, और सन्मति सागर जी जैसी तपस्या है। तीनों साधकों के पूरे पूरे गुण एक ही साधक में है, तो आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव के, और तीनों साधकों के दर्शन हो पा रहे हैं। और दूर चले जाए तो हमको नहीं लगता पंडित जी कि ये कुंद कुंद आचार्य से कम नहीं है, जिनसे इन आचार्य से भी कम नहीं है। तो हमें ये कहना कि उनका मूल स्थान जो है जिनसेन आचार्य का, वहां पे गुरु जी पधारे, और जो महामस्तकाभिषेक की बेला चलनी वाली है उन्हीं के पावन आशीर्वाद से सानिध्य से चले, यही मंगल भावना बारंबार गुरुदेव के चरणों में रख रहे। और 21 फीट की प्रतिमा भी वहां पे विराजमान आचार्य महाराज जी के सानिध्य में होने वाली है, संस्कार भी होने वाले, पंचकल्याणक भी होने वाले हैं। और यह सब लाभ दक्षिण के तो बहुत सारे श्रावक आएंगे ही आएंगे, साथ में बड़ौद के निवासी भी उस पावन क्षण के साक्षी बने, और पंडित जी आप भी साक्षी बने, और चतुर्विधि संघ के साथ साथ आचार्य गुरुदेव के जितने भी उपसंघ है, हमारी भावना है कि देखो आप सभी लोगों की भावना होती है कि थोड़ा बहुत मिले तो और थोड़ा मिले, ये भावना होती है ना सबकी, एक दिन के भोजन से पेट नहीं भरता है, इसलिए आपने 4 महीने का चतुर्मास कराया। तो गुरु जी की तो अपेक्षा है कि गुरु जी आएंगे ही, लेकिन हमारी एक और अपेक्षा है कि गुरु जी की जितने भी उपसंग है भारतवर्ष में, वह सभी उपसंग वहाँ महामस्तकाभिषेक के लिए पधारे, और सभी पूरे संघ उपसंग के सानिध्य में वह महामस्तकाभिषेक हो, यही मंगल भावना है। देखो गुरु जी से 10 मिनट का समय मिला, बोलने में तो बहुत कुछ होता है लेकिन गुरु जी के सामने शब्द नहीं निकल पड़ते हैं। तो गुरु जी के पावन श्री चरणों में वापिस बारंबार यही विनती है कि भोले लोगों को चतुर बनाने के लिए, और वहाँ की मुख्यतः समाज चतुर्थ है, चतुर्थ समाज कही जाती है, तो उन चतुर्थ समाज को चतुर बनाने के लिए चतुर आचार्य का सानिध्य मिले, यही मंगल भावना है। जब लो आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी